नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, अभी तक हम आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 पढ़ा चुके हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर की, ओके, जो पॉलीनोमियल है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की। एक्सरसाइज 2.5 जो एग्जांपल या फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। आइए, क्या क्या फॉर्मूले हैं जिस पे चलते हैं, देखते हैं। ये मेनली कुछ पांच जो चार फॉर्मूले जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो या लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y x माइनस y, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये जो दो फार्मूलो ये जो फार्मूलेज हैं, इनको आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो या लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें आपको केवल ये दो फार्मूले याद रख लो आप, और ये दो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए, ये फार्मूला एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू बाहर रख दो, a is equal to b is equal to y। देखिए ये वाला ये आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू अगर y, a की वैल्यू अगर मैंने y रखी होगी तो ये दोनों x plus y हो जाएगा, x plus y का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब यहां पर मैंने y y तो y और y कितने हो गए, 2y हो गए, 2xy हो जाएगा। प्लस यहां पर अगर मैंने y और y y स्क्वायर हो गया तो ये वाला फार्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। x minus y या a और b की जगह a is equal to b is equal to minus y रख दो, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसमें देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, x स्क्वायर। अब a और b, ये भी माइनस वाई, ये माइनस है, माइनस टू हो गया तो माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा। माइनस वाई और माइनस वाई मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। और ये फार्मूला हमें याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये दो फार्मूले अगर हमने याद रख लिए, ये हम इनको निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आगे भी कुछ चार फार्मूले और हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम फॉर्मूले बताऊं और ज्यादा से ज्यादा आप निकाल पाए। तो यहां मेनली दो फॉर्मूले ही याद आपको याद करने, ये दो ऑटोमेटिकली निकल पाते। हाँ, तो अभी तक हमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं, अब चार फॉर्मूले और पढ़े हैं। ये जो नए फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार हैं, देखिएगा, ये चार फॉर्मूले और हैं, 5, 6, 7, 8। इसमें देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक और आ गया टर्म जेड, उसका स्क्वायर। अब हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। अब यहाँ पर इसी वही सिमिलर फॉर्मूला है, यहाँ पर तीनों हैं तो तीनों को स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसमें 2xy आता है तो यहाँ पर 2xy, 2yz और 2zx, ये सब आ जाएंगे। तो इसको याद करना, लर्न करना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये तीन फॉर्मूले जो है, अब ये क्यूब्स के फॉर्मूले, किसके हैं, क्यूब्स के। देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब, इसमें देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। अब अगर हमने ये याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्यों, y की जगह प्लस y की जगह माइनस y रखना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर मैं प्लस y की जगह माइनस y यहां रख दूं तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए y का माइनस y का होल क्यूब कितना होगा, माइनस y क्यूब होगा, या 3xy x प्लस का y माइनस का कर दूं तो ये माइनस 3xy हो जाएगा, और x माइनस y माइनस का रख दूं तो x माइनस y हो जाएगा। मतलब मैं ये फॉर्मूला याद करने की ऑटोमेटिकली याद जाएगा, x प्लस y का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला जो है ये समझेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, तीन टर्म्स है इसमें, तीनों के क्यूब्स को प्लस कर दिया और उसमें माइनस 3xyz कर दिया, ठीक है। तीनों के क्यूब को प्लस किया, माइनस 3xyz किया, इसका होता है एस, तीनों को जोड़ दो एस प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों का स्क्वायर करो एस, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये याद कर ले, ये अपने आप आ जाता है। और ये भी सिंपल है, जो हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है उसी के बेस पे है, ये इजिली याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए हम याद कर सकते, इसी पे हमारी बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, तो हम एक्सरसाइज 2.5 चालू कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुटेबल आइडेंटिटीज हमको पता करनी है जिससे हम उनको फॉलोइंग प्रोडक्ट को निकाल सके। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, हमको ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी।
बस उसी में हमारा फोकस है। ये देखिए x प्लस 4 और अगला है मेरा x प्लस 10। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस a, x प्लस b। मैंने कहा जो फॉर्मूला आपको बेसिक याद करना है, क्या फॉर्मूला है, x प्लस a इंटू x प्लस b। क्या फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस, दोनों को प्लस करो तो a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है, अब वही फॉर्मूला करेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 4 प्लस 6 10 इंटू x प्लस a इंटू b यानी 4 इंटू 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका 14x प्लस 40, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका एक क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है इसी का, मैं कर देता हूँ आपके लिए लास्ट वाला कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, फर्स्ट का 5। इसका 3-2x और 3+2x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बताइए क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a कितना है पर 3 है और b कितना है, हम चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2x का स्क्वायर, यानी कि आ गया 9-4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सारी बेस्ट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें कुछ नंबर दिए हैं, अब आप सोचेंगे लाइफ में इन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर या एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मूले का क्या यूज है। देखिए अब पता लगेगा, मान लो आपको कोई इसका मल्टीप्लाई करना हो, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट देखिए, आपको 103 इंटू 107 करना हो, इतने बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करेंगे आप, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 103 को मैं लिखता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, तो ये मेरा हो गया x प्लस ए, फॉर्मूला कौन सा हो गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या हो गया, x इसका हम जानते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है हमारा, x इज इक्वल टू कितना है 100 है, a कितना है 3 है और b कितना है 7 है। ठीक है, सिंपल कर देते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी 3 7 प्लस 7 इंटू एक्स कितना है 100 है प्लस ए इंटू बी इंटू मतलब 3 इंटू 7। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, 100 का स्क्वायर 40 आ जाएंगे, 20 है तो 10,000 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया 10 में 100 का मतलब तो 1000 हो गया प्लस 7 और 3 कितना हो गया 21। यहाँ तक ठीक है, इनको प्लस करके लिख दो कितना आ जाएगा 1 1 0 2 1, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट। इसी प्रकार 95 इंटू 96, उसमें उसको कैसे लिखेंगे हम, 95 इंटू 96, इसको लिखेंगे 100 माइनस 5 एक्स जो आएगा, एक्स को जो हम लाएंगे उसको पूरा पूरा नंबर आएंगे, 100 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो 95 इंटू 96 को हम लिखेंगे 100-5 और 100-4। देखिए सेकंड वाला कर लेता हूँ मैं, सेकंड का सेकंड 95 इंटू 96। ठीक है, इसमें 95 को मैं लिख सकता हूँ 100-5 और इसको मैं लिखता हूँ 100-4। ठीक है, इजी है, अब कैसे इजी है, एक्स मेरा हो गया 100, ए हो गया -5 और बी क्या हो गया -4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये फॉर्मूला लिख दो साथ में प्लस ए इंटू बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एक्स प्लस ए है और यहाँ एक्स माइनस मतलब 100-5 गया प्लस या माइनस आ गया, कोई बात नहीं, आप ए को आपने -5 मान लिया, बी को -4 मान लिया, इसी को पुट कर दो आंसर आएगा। देखिए 100 एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 100 का स्क्वायर प्लस,
अब a प्लस बी, ए कितना माइनस फाइव और माइनस फोर, यानी कि माइनस फाइव और माइनस फोर, इंटू एक्स कितना 100 है, प्लस a इंटू बी, ए और b, a माइनस फाइव इंटू माइनस फोर, माइनस फाइव इंटू माइनस फोर, ठीक है। देखिए 100 का स्क्वायर यानी 10,000, ओके, माइनस फाइव माइनस फोर कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस 9 इंटू 100 यानी माइनस 900 हो गया, ठीक है। 5 4 जै 20, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 हो गया, ओके। बस अब इनको सॉल्व करना है, 10,000 में से 900 किया उसमें और उसमें 20 प्लस करने। देखिए 10,000 में मैं 900 माइनस करता हूँ, कितना आएंगे 10,000 में, अगर मैंने 1,000 माइनस कर लो, 10,000 में से 1,000 माइनस किए तो कितना आएंगे 9,000 आ जाएंगे, 9,000 और एक 10,000, 9,000 में 100 जोड़ दो तो 11,1 ये आ जाएगा आपका, एक 10,000 माइनस कर लेते हैं अपन, 10,000 माइनस 900, ठीक है, माइनस करो 0,0, ये आपका आएगा 0, 10, 9 और 10, 1,9,0, 9,100 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 9,120, ठीक है, ये मेरा आंसर है, ओके। तो ये हो गया हमारा 95 into 96, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगला कर सकते हैं 104 into 96, इसको कह सकते हैं 100 प्लस 4 लिखेंगे और 100 माइनस 4 लिखेंगे, तो a प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इस प्रकार फिर हम सोल्व करेंगे। तो बिना मल्टीप्लीकेशन के भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, हमें फैक्टराइज करना प्रॉपर आइडेंटिटीज निकाल कर, बहुत ही सिंपल है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला अगला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर कर दें इसको, प्लस यहाँ बीच में जगह छोड़ के इसको y का स्क्वायर कर दें, यानी ये मेरा x, ये पूरा a प्लस बी, अब यहाँ पर 2xy होता है 2, अब a ये पूरा हो गया 3x और ये y है। देखिए क्या ये आ रहा है 2 3 6, ये आ रहा है, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूले से ये आ गया। सिमिलरली ये बाकी भी हम कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड, ये आप करिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, हमें एक्सपांड करना है, ठीक है। अब कोई सा भी देख लीजिए, मान लो मैं सेकंड देख लेता हूँ इसका, आप बोलते हैं सर दादा फर्स्ट करते हो, फर्स्ट तो बहुत सिंपल होता है, चलो सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले में देखो, इसका स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई के ये माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 करके, 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई और जेड इनका मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू जेड और 2x का मल्टीप्लाई, जेड और 2x का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 4x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर यानी माइनस वाई इंटू माइनस प्लस वाई हो जाता है प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 2 4 और माइनस का वाई, तो माइनस 4xy हो जाएगा। अब 2 और yz माइनस 2yz हो गया, क्यों, माइनस का वाई है। अब प्लस का 2 2 4 4xz, ये हमारा आंसर, इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। अब आगे देखते हैं हम, इस प्रकार आप बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, केवल फॉर्मूले में हमें के बेस रखना है और आंसर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फैक्टराइज, अब फैक्टराइज करना है हम इसको, फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें भी हमें सूटेबल आइडेंटिटी पता करनी पड़ेगी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में बेस कर देंगे। देखिए 5 क्वेश्चन का पहला ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और
माइनस का 16xz, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा ये है। अभी किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स, उस वो फॉर्मूले पे मेरा ये एक्सपांड किया हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको देखो उस फॉर्मूले के बेस में लाने की कोशिश करता हूँ, थ्री वाई प्लस इसको मैं लिखता हूँ थ्री वाई प्लस होगा स्क्वायर, 16z को लिखता हूँ 4z का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स वाई, 2x इंटू थ्री वाई, एक बार देख लेते हैं क्या मैं लिख रहा हूँ जो उससे आ रहा है, 3 टू जै 6, 6 टू जै 12, 12x वाई आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब प्लस, अब देखिए यहाँ ध्यान देने बात है, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, एक बार मैं करता हूँ देखें क्या होता है, देखिए 2, अब यहाँ पर क्या है वाई जेड माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं लिख लेता हूँ 3y और 4z, 3y और 4z लिख लिया, ठीक है। एक बार चेक करें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 तो आ रहा है, वाई जेड भी आ रहा है, पर यहाँ माइनस का आ रहा है, मतलब कि कोई एक या तो y माइनस में होगा या z माइनस में होगा, कोई एक चीज माइनस में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस में आ रहा है x और z, यहाँ भी, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, z, यानी z माइनस का होगा, यानी कि ये माइनस का 4z होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी z को माइनस में कर दें अपन, तो कि स्क्वायर करेंगे तो हम 22 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, स्टूडेंट्स यही गलती एग्जाम में करते हैं, माइनस कैसे आएगा, देखिए यहाँ प्लस आ रहा, यहाँ माइनस में आया तो हमें क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ माइनस दोनों में कॉमन क्या है, जेड कॉमन है, यानी कि जेड माइनस का होगा तभी ये भी माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस 2 वाई जेड, ये 3y इंटू 3y हो गया, और अगला नंबर है हमारा माइनस का 4z, चेक कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा एक मिनट 2yz, 2x हो गया, 2yz हो गया, और zx सॉरी यहाँ पे आएगा 4z, यह आ गया माइनस 4z इंटू एक्स, यानी कि ये आएगा 2x। देखिए इस प्रकार एग्जाम मैंने चेक कर लिया, तुरंत पता लग गया मैं कहाँ गलत हूँ, आप भी फटाफट वापस चेक करिए, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस 16xz, बिल्कुल सही है। अब हम इसको लिख सकते हैं इस किस फॉर्मूले की बेस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का प्लस 2xy या प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। अब सिक्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल है सिक्स्थ भी। सिक्स, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, जो क्यूब दी है उनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, उसी बेस पे क्वेश्चन है। जैसे मैं ले लेता हूँ, कौन सा करूँ, पहला करूँ, सेकंड करूँ, थर्ड करूँ, फोर्थ करूँ, बताइए आप जो आपको लगता है कि टफ है। चलो थर्ड कर लेता हूँ, आप कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया, वो भी इजी होते हैं, थर्ड बंद कर बताओ। चलो ये थोड़ा हार्ड वाला कर देते हैं, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, प्लस 1 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अब जहाँ x दे रखा है इसलिए मैं a प्लस बी के फॉर्म में लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। देखिए a कितना है मेरा, 3/2x, ठीक है। अब a का 3/2x का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ये a हो गया 3/2x इंटू बी कितना हो गया 1 इंटू a प्लस बी, 3/2x प्लस 1, ओके इसको लिख देते हैं। 3 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 2 का क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 प्लस, अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/2x, सॉल्व किया इसको तो, इंटू 3/2x प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। फर्दर स्कोर खोल सकते हैं हम, 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 9 को 3 से, 9 से जा 27, एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4, नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 9/2x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 9x/2, ठीक है। इसको थोड़ा हम
सिस्टमेटिकली लिख देंगे एस क्यूब पहले डिग्री, जो एस की जो पावर मैक्सिमम पावर उसको पहले लिखेंगे, बाद में उस कम वाली पावर, फिर बाद में कम वाली पावर। तो इसको ऐसे लिख देंगे 727 एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 9x बाय 2 प्लस 1, इस फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा आंसर। तो ये मैंने कर दिया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। अब बाकी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसी फॉर्मूले में सब भेज दें, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब ये भी सिंपल है, हमें इस नंबर को देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यूज है, उसका एप्लीकेशन है जो हम फॉर्मूले सीख रहे हैं। आप पूछोगे सर ये फॉर्मूले हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएंगे, हमारी लाइफ में, तो ये यहाँ काम आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सेकंड कर लेता हूँ, चलो ये 102 का होल क्यूब। अब 102 होल क्यूब कब निकालेंगे, 102 इंटू 102 इंटू 102, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। उससे आसान तरीका है, इसको लिख दो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ये एक ये क्यूब ये प्लस x प्लस y का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b 100 प्लस 2। देखिए बड़ा आसान हो गया, 100 का क्यूब मतलब 2 जीरो, यानी कि 2 2 4 2 6 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 600 हो गया ये, और 100 प्लस 2 102 हो गया, क्लियर। देखिए अब 10008 हो गया ये, उसको प्लस कर लेते हैं 1 1 0 0 0 4 5 और ये 6, ठीक है। प्लस अब 600 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है मल्टीप्लाई करना। देखिए अगर नहीं करेंगे तो इसको इजी ऐसे कर देते 100 प्लस 2, ठीक है। हम 100 प्लस 2 को नहीं जोड़े, और इजी बता रहा हूँ मैं, मतलब पहले 600 को 100 से मल्टीप्लाई करते, 6000 आ गया, प्लस 6 2 12 1200। अब देखिए जोड़ना इजी होगा मान लिया, ठीक है। अब देखिए देखिए लास्ट का वन डिजिट, यहाँ 00 या 8, यहाँ 8 लिख दो, फिर यहाँ 0000, फिर यहाँ थर्ड डिजिट देख रहा हूँ 1 0 2 0 0 2 आ गया, 1 4 डिजिट 0 और 0, यानी कि 1 आ गया, फिर है मेरा आपका 6 और 0 6 आ गया, फिर 0 और 1, ये मेरा आंसर है। तो ये आ गया 10,61,208, यह मेरा आंसर। हमें कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बड़ी इजीली हमने ये आंसर निकाल लिया। इस प्रकार आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 के सभी, बाकी भी कर सकते हैं। देखिए इसमें 98 का होल क्यूब क्या करेंगे, इसको 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। 99 का होल क्यूब 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर देंगे, और इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी पता करनी, जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूँ। जैसे आप कहते हैं फर्स्ट, सर बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, मैं सेकंड कर लेता हूँ। ए क्यू ए माइनस 12 ए स्क्वायर बी और प्लस 6 ए बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है कुछ पता लग रहा है, एक एक्स प्लस वाई का होल क्यूब या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एस क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस बी, या फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हम कोशिश करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें, ठीक है। अब 8a क्यूब, इसको मैं लिखता हूँ, इसको देखिए, इसको मैं लिखता हूँ 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स कितना है मेरा यहाँ पे 2 है, ठीक है, इंटू 2, और y कितना है b है। एक बार चेक कर लेते हैं, इससे ही आ रहा है क्या, देखिए 3 2 6 और इंटू बी, ठीक है। चलो अब एक बार फॉर्मल लिख देते हैं, माइनस ये नहीं आएगा, इसको सॉल्व यहाँ ब्रेकेट एक और है, माइनस 3ab इंटू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या 2a माइनस बी। अब चेक करेंगे, देखना ये हो गया 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, देखिए 3 2 6 और 6ab हो जाएगा ये, देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
ये आ जाएगा 6 to 12 a² b आ रहा है, और ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ रहा है, और 6a b² आ रहा है। मतलब ये हमारा फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला, ये एक्सपांडेड फॉर्म इसकी ही है। तो ये मेरा फॉर्मूला, मैं लिखता हूँ 2a - b³, इसका मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। बाकी इसी प्रकार है, आप इस एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, एक बार चेक कर लेना जो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। अब 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेरीफाई x³ + y³ = x+y (x²-xy+y²। हमको वेरीफाई करना है, एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी सेकंड वाला आप कर लेंगे। देखिए x³ + y³, ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा है x+y (x²-xy+y²। वेरीफाई करना क्या, इसका आंसर ये आता है तो हमें जो पता है वो हम जानते हैं, वो लिख देते हैं, ठीक है। या लिख देते हैं वी नो दैट हम जानते हैं x+y³, क्या फॉर्मूला होता है, x³ + y³ + 3xy (x+y), ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज अ फॉर्मूला, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या ये दोनों बराबर है आपस में, एक बार देख लेते हैं अपन, x³ + y³, ठीक है। अब देखिए x³ + y³ यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसके इक्वल में ये, तो हम इन दोनों को यहाँ रहने दें या इसको इसको उल्टा भी लिख देते हैं, x³ + y³ + 3xy (x+y), और इसको मैं लिख दूँ x+y³। लिख सकता हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, दोनों बराबर है तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है x+y³, तो इसको इधर रखते हैं, बाकी इसको इस पूरी टर्म को इधर भेज देते हैं, ठीक है। x³ + y³, मैंने क्या किया, x+y³। अब उस टर्म को पूरा उधर दिया, -3x हो गया प्लस, या प्लस का तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा x+y, ये जो पूरी टर्म थी मैंने इधर भेज दी, ठीक है। अब इस यहाँ दो टर्म में ये और ये, इसमें मैं कॉमन x+y को कॉमन लेता हूँ, x³ + y³, यहाँ x+y को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x+y, यहाँ क्यूब था, क्यूब को मैं x+y एक बार निकाल, तो x² बचा, ठीक है। अब माइनस x+y चला गया तो क्या बचा, -3x बचा, ठीक है, -3xy आएगा, सॉरी, ठीक है। फॉर्मूला a³ + b³ यहाँ 3xy था जो मैं लगाया, लगाना भूल गया, यहाँ y था, यहाँ 3xy आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए फिर क्या करेंगे, अब x³ + y³ ये चल रहा है हमारा। अब देखिए x+y, अब इसको खोल देंगे, x+y² हमें फॉर्मूला पता है, x² + 2xy + y² होता है -3xy, कोई दिक्कत नहीं आता। अब x³ + y³, अब x+y लिख दिया हमने, अब x², अब देखिए ये प्लस का 2xy है और ये माइनस का 3xy है, +2 - 3 दोनों xy है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक दोनों के साइन अलग अलग है, और साइन उसका आएगा जो बड़ा नंबर हो, 3 बड़ा है तो -xy आ जाएगा, 2 में से 3 का तो 1 आएगा, साइन माइनस का 3 वाला आएगा, +y². देखिए यही हमारा फॉर्मूला, यही हमें प्रूव करना था, x³ + y³ x+y, यानी कि ये वेरीफाइड यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाला भी आप कर लेंगे, इजी है, उसमें x³ - y³ का फॉर्म लिखना है, x-y² वाला फॉर्मूल लगाना है, और आपको इस टर्म को इधर करना, बाकी को उधर भेज देना, कॉमन निकालना, सिमिलर टाइप का है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनको हमको फैक्टर करना है, ठीक है, आइडेंटिटी पता करनी है, कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके हिसाब से हम फैक्टर कर सकते हैं इजीली। देखिए क्वेश्चन है 27y³ + 125z³, ठीक है।
अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको लिखता हूँ 3y का होल क्यूब, लिखता हूँ मैं 125 या 5 का होल क्यूब, 5z, 5 5 से 25 25 इंटू 5 125 आता है, ठीक है। तो ये पर ये वो फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला जो हमें याद है वो ये है, x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। अब हमें नहीं कहा, हमें ये दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, तो कुछ नहीं, इसको इधर जाना है, यानी कि मेरे को अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था ही, देखिए इसको ये समझिए, मैंने इधर लिख दिया, ये इसके बराबर में था तो ये इधर आ गया, ये घूम के इधर आ गया, तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। बस वही मेरे को यहाँ लिखना है, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि मैं लिख दिया 3y प्लस 5z का होल क्यूब माइनस 3xy माइनस 3x इंटू वाई, 3y इंटू 5z, और ये क्या आएगा x प्लस वाई, 3y प्लस 5z, ठीक है, 3y प्लस जेड और 3y प्लस जेड दोनों कॉमन निकाल लेते हैं, 3y प्लस 5z कॉमन निकाल लिया, 5z कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर, 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम, ठीक है, माइनस 3y प्लस 5z मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैंने क्या बचा मेरा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 9 5 45 45 y इंटू जेड, ये मेरा अंदर बचा, ठीक है। अब 3y प्लस 5z, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है, ये 25z स्क्वायर हो जाएगा, और 2xy 2 इंटू 3y इंटू 5z माइनस 45yz, क्लियर, 3y प्लस 5z। अब यहाँ देखिए 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, ये तो वैसे लिख सकते हम, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 6 6 5 30 प्लस का 30yz और माइनस का 45yz, देखिए ये भी yz है और ये भी yz है, दोनों yz है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3y प्लस 5z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, अब ये प्लस का है माइनस का, 30 में से 45 गए तो वैसे 15 आते हैं, पर माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस 15yz, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो इस प्रकार मेरा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन था मेरा 27 क्वेश्चन नंबर 10 का 1 था ये, ठीक है। अब 10 का सेकंड आप कर लेंगे, सिमिलर टाइप का ही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टर करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, कौन सी आइडेंटिटी लगी, एक्स क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, याद है लास्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये देखिए ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये मैंने कहा था आपको याद रखना, इसमें क्या तीनों को जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ लिया, फिर तीनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस करके दोनों को एक दो दो को एक साथ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। क्या किया हमने पहले, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसको हम
ऐसे लिखें, देखें 3x का क्यूब लिख दिया मैंने, प्लस y का क्यूब लिख दिया, प्लस z का क्यूब लिख दिया, माइनस अब 3xyz है तो 3x कितना है यहाँ, 3x है, y कितना है और z का z है, देखिए 9xyz आ रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्म में हो गया, इसको मैं x प्लस y प्लस z का इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो 3x प्लस y प्लस z और आगे आ गया इसका 3x, ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, अब x और y पर इसका उसका मतलब है माइनस, 3xy हो गया माइनस yz माइनस z और x, अब यहाँ x मतलब 3x है तो 3x 3xz हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं 3x प्लस y प्लस z तो ये हो गया और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम करते हैं 13। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देखिए ये फॉर्मूला मैं रहता हूँ, ये काम आने वाला है अभी, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ क्या था, यहाँ था मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो शो देट, ये क्या कर रहा है शो देट, तो ये बताओ ये शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा, ठीक है। अगर ये इसके जीरो के बराबर तो ये शो करना है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड अगर जीरो है तो इस फॉर्मूला में देखिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ जीरो हो गया, अब जीरो का किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरा नंबर लिख देंगे, जीरो का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, जीरो का मल्टीप्लाई हम किससे भी करेंगे क्या आंसर आता है, जीरो आता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब 3xyz को हम इधर भेज देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा यानी 3xyz, ये हमें निकालना था, ये हमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया, इसको लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। अब यानी भी कि कोई भी तीन नंबर हो अगर उन तीन नंबर का सम अगर जीरो है, देखिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखने को मिल रही है, कोई भी तीन नंबर है अगर उन तीनों का नंबर को अगर मैं जोड़ दूं, आंसर अगर जीरो आता है तो उन तीनों का नंबर का क्यूब अलग अलग उन तीनों के मल्टीप्लीकेशन और उसका मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं उसके इक्वल होगा। वापिस बोलता हूं मैं, आई रिपीट, अगर कोई भी तीन नंबर लूं, तीनों को जोड़ दूं और जोड़ने पर उसका उनका सम करने पर अगर आंसर जीरो आता है तो उन तीनों नंबर का क्यूब ना इक्वल होगा तीनों के मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल होगा, 3xyz के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 13 था क्वेश्चन नंबर 13, अब 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ये, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंपल वही क्वेश्चन है, देखिए माइनस 12 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर तीनों का सम x, ये x y z, अगर तीनों का सम जीरो आता है तो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz होगा, ठीक है। अब माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहां मैं लिख देता हूँ x क्या ले रहा हूं मैं, माइनस 12, y है मेरा 7 और z है मेरा 5, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए जीरो आ रहा है, माइनस 12, 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है, 12 में से 2 का जीरो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड मेरा क्या आ गया,
जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया मेरा जीरो आ गया। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है तो क्या फॉर्मूला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है मेरा थ्री थ्री एक्स वाई जेड होता है। तो कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा थ्री, वापस लिख देता हूँ, माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब, ये किसके बराबर होगा, थ्री एक्स वाई जेड, थ्री एक्स कितना माइनस ट्वेल्व, वाई कितना है सेवन, और जेड कितना फाइव, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अभी आप कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, थ्री इंटू ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू फाइव, ये माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस में रहेगा वह आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, 28 माइनस 15 माइनस 30, देखिए तीनों का सम करते 28 माइनस 15 माइनस 13 को सबको सम करते तो जीरो आता है, तो उसका भी सिमिलर टाइप से हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 15 15 क्वेश्चन हमारा है, एरिया है, एरिया दे रखा है हमें, एरिया इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन हमारा, फिफ्टीन का ए देखिए। अब इसने देखा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया, हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है, पॉसिबल कितनी पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ बतानी है, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर, फैक्टर करेंगे हम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मतलब इसकी फैक्टर करेंगे तो एक लेंथ और एक ब्रेथ आएगी, ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब नाइन्थ क्लास का जो प्रीवियस हमारा जो था उसमें पढ़ चुके हैं, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, ये आ जाता है मेरा 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 300 आ गया, ठीक है। अब 300 आ गया, अब दो नंबर इसे बताने, अब यहाँ क्या आ रहा है 35 आ रहा है माइनस 35, अब प्लस करने पर मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर मेरा माइनस 35 आ जाए, अब दोनों यहाँ पर प्लस आ रहा है यानी कि दोनों मेरे नंबर या तो माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस, यानी ऐड करने पर ही मेरा आएगा, यानी ऐड करने पर माइनस 35 आ जाए, दो नंबर ऐसे मेरे को ऐसे चाहिए जो माइनस 35, तो फिर क्या करेंगे हम 300 की फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो दो नंबर कौन से होंगे सोचो, जो कि जिनका प्लस करने पर तो 35 आ जाए उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आ जाए, बता सकते हो आप कोई कौन से दो नंबर होते हैं, देखिए मेरे हिसाब से 15 और 20 ऐसे नंबर होंगे, 15 और 20 को अगर मैं प्लस करूं तो 35 आता है, और 15 और 20 को मल्टीप्लाई करूं 15 टू 300 आता है, आता है तो 15 और 20, और दोनों जो नंबर होंगे वो दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 35 आएगा, और माइनस 15 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 300 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको मैं इस प्रकार 25 को ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 ए का होल स्क्वायर, एक मिनट इसको मैं ऐसे करता हूँ 25 ए स्क्वायर लिखा प्लस के टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है, माइनस 15 है माइनस 20 है, ठीक है, प्लस 12, ठीक है। अब इसमें से मेरे को कॉमन लेना है, ठीक है, क्या कॉमन आ सकता है 5 ए कॉमन आ सकता है, अंदर 5 है बचा, 5 बाहर आ गया तो 5 से 15 ये आ गया, अब यहाँ पर ही 5 है माइनस 3 आएगा तो माइनस का 4 कॉमन ले लूँ मैं, 4 कॉमन आएगा माइनस का तो 5 ए 5 फोर 20 5 अंदर बचा माइनस का 3 बचा, देखिए माइनस 5 फोर 20 आ गया माइनस का 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12 आ गया, ठीक है। अब इस पूरे में से 5 है माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ 5 है बचा या माइनस 4 बचा, ठीक है। तो इसमें ये एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक मेरी लेंथ और एक ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, एक लेंथ एक ब्रेथ है। अब कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है बता सकते हो, लेंथ कम होती है कि ज़्यादा होती है, किसी भी रेक्टेंगल में अगर लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है, हमेशा याद रखना। अब लेंथ ज़्यादा होती है तो जो नंबर बड़ा होगा वो लेंथ होगी और जो नंबर छोटा होगा वो ब्रेथ होगी, अब ये बड़ा है कि ये बड़ा बताओ,
अगर किसी या दोनों बराबर आ रहे हैं, फाइव है ये भी फाइव है, अगर मैं नंबर ज़्यादा नंबर को माइनस करूँ किसी नंबर में से तो वो छोटा होता है, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है, जो बड़ा वो मेरी लेंथ हो गई, यानी लेंथ मेरी हो गई आपकी फाइव है माइनस थ्री और ब्रेथ हो गई मेरी फाइव है माइनस फोर, ये हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार सेकंड भी करेंगे है, वो भी इसी प्रकार एरिया दे रखा है, आप फैक्टर कर लेंगे उसको, लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्मूले में लाएंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं एक ले लेता हूँ, मान लो फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, गिवन द पॉसिबल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स वॉज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। देखिए क्यूबॉइड दिया है, क्या है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है ऐसा होता है, मैं बना देता हूँ आपके लिए, दैट इज ए क्यूबॉइड, ये डस्टर देख सकते हैं आप, ये क्यूबॉइड का फॉर्म है एक तरह से, ठीक है। इस क्यूबॉइड में एक तो लेंथ होती है, ब्रेथ तीन होते हैं, तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब वॉल्यूम दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर वन में, अब हमें क्या करना है उसके फैक्टर करने, तीन फैक्टर करने अलग अलग ताकि हमारा आंसर आ जाए। 3x पहला क्वेश्चन में करता हूँ, 3x का माइनस 12x, ठीक है। अब इसमें फैक्टर करने हैं हमको, तो फैक्टर तो पहले हमको दिख रहा है कॉमन, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, पहले कॉमन 3x कॉमन आ रहा है इसमें, तो 3x कॉमन तो x बचा, 3 4 12 -4, ठीक है, 3x क्यूब है सॉरी यहाँ पर, तो x या स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है, यह स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 3x, अब ये x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस बी इंटू या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई इसका सॉल्यूशन फैक्टर हो सकता है, इसको मैं लिखता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता हूँ, यानी कि इसके फैक्टर हो गए 3x, x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी एक लेंथ है एक ब्रेथ है एक हाइट है, ठीक है। लेंथ सबसे बड़ी हो सकती है, तो 3x मेरी लेंथ होगी मान लो, ब्रेथ, ब्रेथ तो हाइट कुछ भी ले सकते हैं हम, मान लो सपोज ब्रेथ x प्लस 2 होगी और हाइट मेरी x माइनस 2, ये मेरे आपके लेंथ ब्रेथ हाइट निकल गई। तो इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन जो है वॉल्यूम का, वो भी इस प्रकार से हम फैक्टर करके अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे और हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।